अरविंद केजरीवाल के खास विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मचाई कि दूसरे राज्य इसके बाद सतर्क हो गए हैं। असल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और उसकी संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचने की घटनाएं कई बार सामने आती रही हैं। ताज़ा मामला अमानतुल्लाह खान का है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड में जमकर धांधली मचाई और करोड़ों रुपये का खेल खेल दिया। इस मामले में अमानतुल्लाह खान फिलहाल गिरफ्तार हैं और मामले की जांच जारी है। इस तरह की घटनाएं यूपी में न हो और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए मदरसों का सर्वे करवाने का आदेश देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करवाएंगे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है और सर्वे का काम एक महीने में पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के 75 जिलों में जितनी भी ज़मीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है। आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।